हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू व्यू स्पोर्ट मैच रिव्यू और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे प्रीमियर लीग का मैच जो कि खेला जाएगा बिटवीन एस्टन विला और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन के बारे में और आपको देंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स स्मॉल लीग के और ग्रैंड लीग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको आपकी टीम बनाने में हेल्प कर सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आपको कोई कॉन्टेस्ट खेलना है तो ये कॉन्टेस्ट आप फैंटेसी अखाड़ा पर खेल सकते हैं जहाँ पर नॉन मेगा कॉन्टेस्ट के लिए कमीशन सबसे लोएस्ट है जिसकी वजह से आपके काफ़ी

आइए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं देखने अपना बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच तो फ्रेंड्स पहले हम बता दें आपको कि इस मैच में थोड़े से इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशनस हैं अगर एस्टन विला ये मैच जीत जाती है तो फोर्टी नाइन पॉइंट्स पर हो जाएंगे और वो लोग टॉटनम को फिर से पीछे कर देंगे अगर प्रीमियर लीग को फिफ्थ स्पॉट मिला चैंपियंस लीग का तो उसके लिए एटलीस्ट टॉटनम और एस्टन विला में अभी के लिए प्रॉपर फाइट चल रही है मगर फ्रेंड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को कम नहीं आ सकते ऑल वो लोग सिक्स लो पोजीशन पर और उनके और एस्टन विला के बीच में आठ पॉइंट का डिफरेंस है लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रिसेंट में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज पुटअप करी हैं वेस्ट हैम से लास्ट मैच में काफ़ी थ्री थ्रीनल जीते वुल्व से थ्री फोर जीते न्यूपोर्ट काउंटी खैर वो तो एफए कप का मैच था उससे टू फोर जीते टोटनम से दे ड्रू टू टू तो रिसेंट में हमने देखा है कि यूनाइटेड गोल स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी फॉर्म में है डिफेंसिवली भी अभी उनके इशूज बहुत अच्छे नहीं लिसानद्रो फिर से बाहर हो गए हैं बिकॉज ऑफ़ इंजरी सो डिफेंसिवली थोड़ा स्ट्रगल करेंगे मगर दूसरे तरफ अगर हम एस्टन विला देखें तो वो क्लिक इस समय नहीं कर पा रहे हैं एस्टन विला अभी चेल्सी से हार गई थी एफ ए कप में बाई थ्री वन शॉर्ट ऑफ स्कोर लाइन शीफील्ड यूनाइटेड से वो लोग ऑब्वियसली लो फाइनल जीते थे बट ऑब्वियसली शीफील्ड इज द व वीकेस्ट टीम इन द प्रीमियर लीग उससे पहले वो लोग एस्टन विला से अपने होम पे थ्री वन हार गए थे एंड विला एक टाइम था अभी रिसेंट में कि अपने होम पर हारती ही नहीं थी कोई मैच सो so, दो कंजिक्यूटिव उनको होम लॉसेस का सामना करना पड़ा है अगेंस्ट न्यू यूनाइटेड और एफ कप में अगेंस्ट चेल्सी सो ये मैच में और उसके पहले जब उनका एफ कप का राउंड हुआ था अगेंस्ट चेल्सी तो उसमें निलीलिल ड्रॉ था एवर्टन के अगेंस्ट जीरो जीरो का ड्रॉ था सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि विला इस मैच में कैसे कोप अप करती है गोलकीपर फ्रेंड्स दो स्टिल हमने आंद्रे ओनाना को लिया है नाउ ये इंपॉर्टेंट पिक होंगे आज के मैच में इन्हें ज़्यादा सेव्स करने पड़ सकते हैं वी आर स्टिल बैकिंग एंड एस्टन विला विन इन दिस मैच में पिछला बार जब ये दोनों टीम मिली थी तो बहुत ही क्लासिक मैच हुआ था जिसमें यूनाइटेड ने कम किया था गर्नाचो और हॉइलैंड ने गोल्स वगैरह स्कोर करे थे लेकिन इस मैच में फ्रेंड्स हमें लगता है कि आज से वापस कम करना चाहेगी अगर क्योंकि अमेरिक को थोड़ा सा अब अप, अपनी टीम को देखना होगा वो कैसे बेटर कर सकते हैं इसलिए ऊनाना इंपॉर्टेंट पिकोंगे आप दिबू मार्टीनेस को भी कंसिडर कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रबल विनर विद अर्जेंटीना गोल का चॉइस फ्रेंड्स फिफ्टी फिफ्टी रहेगा डिफेंस एक्शन की बात करें फ्रेंड्स तो हमने तीन लेवल डिफेंडर्स को लिया है नंबर वन चॉइस होंगे हमारे अलहान्द्रो एलेक्स मोरेनो जो कि अटैकिंग वाइज काफ़ी अच्छे हैं डिफेंसिवली भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टैकल इंटरसेप्शन के पॉइंट देते हैं और आपको ऑफेंसिवली बहुत ही अच्छा वर्क रेट देते हैं सो एलेक्स

यूनाइटेड को एरियली डोमिनेट करना है एस फिट हो गए बट बहुत टाइम बाद आ रहे हैं जिनसे डिफेंडिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती है दैट्स वाई डी और मोरेनो दो अच्छे ऑप्शन हैं मैटी कैश को कर सकते हैं हालांकि उनका फॉर्म इस समय बहुत ही खराब चल रहा है कौन सा को हम रिकमेंड करते हैं मगर उनको इंजरी हो गए सो ही इज आउट फॉर एटलीस्ट थ्री टू फोर वीक्स ये दो रिलायबल ऑप्शन होंगे आपके लिए विला के लिए अगर हम यूनाइट से बात करें तो हमने डियो को डायलो को लिया है ऑफेंसिवली काफी अच्छे हैं इस सीजन का स्टार्ट उनका अच्छा नहीं हुआ था बट रिसेंट के कुछ मैचेस में ही एज लुक शार्प सो so डायलो बिकम्स अ वेरी सेफ चॉइस फॉर फॉर फै, एर फेंटिससी टीम इन डिफेंस सेक्शन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू नाउ फ्रेंड्स अगर हम अपने मिडफील्ड सेक्शन पर चले मगर मिडफील्ड सेक्शन पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि व्यू स्पोर्ट ने फ्रेंड्स लॉन्च किया है ग्रैंड लीग का फीचर नाउ फ्रेंड्स ये क्या होता है व्यू स्पोर्ट ने असल में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये फीचर लॉन्च किया है आपको हर बड़े मैच की फिर चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो उसकी ट्वेंटी फाइव ग्रैंड लीग टीम्स मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली व्यू स्पोर्ट ऐप पर तो जाइए इस फीचर का फ़ायदा उठाइए और ग्रैंड लीग में बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन का फ़ायदा उठाइए नाउ मिडफील्ड सेक्शन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स हमने मिक्सड मिडफील्ड लिए है यूनाइटेड से हमने ब्रोनो फर्नान्डेस और अहानद्रो गर्नाचों को लिया है ब्रोनो फर्नान्डेस फ्रेंड्स इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वैसे भी यूनाइटेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ही अच्छा फैटेसी पोटेंशियल रखते हैं गोल स्कोरिंग से पॉइंट देते हैं पेनाल्टीज़ पर है चांस क्रिएशन नंबर इनके बहुत अच्छे ओपन प्ले से चांस क्रिएशन है ये पूरे प्रीमियर लीग में इनके बहुत अच्छा है डिफेंसिव वर्क रेड काफ़ी अच्छा देते हैं हर तरीके से आपको ब्रोनो फर्नान्डस फैंटेसी के पॉइंट देंगे एंड ही इज द वेरी सेफ एंड टॉप कैप्टेंसी चॉस और कैप्टेंसी चॉइस एज वेल इन दिस मैच दूसरे फ्रेंड्स हमने गरनाचो को लिया है, जिनका रिसेंट बिन सुपर ये गोल स्कोर कर रहे हैं प्ले बहुत अच्छा कर रहे हैं चांस अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं इसके साथ ही इनका पोटेंशियल भी अच्छा बढ़ के आ रहा है, आपके, आपके है। अगर हम आस्तिन और डगलस लुइस को विला के लिए पेनाल्टीज पर होंगे सेट पीसेस लेते हैं डायरेक्ट फ्री किक्स और कॉर्नर से स्कोर करने का चांस रखते हैं आपको ओकेजनली बैंगर भी दे

फ्रेंड्स फॉरवर्ड सेक्शन पर चलने से पहले हम आपको बता दें कि व्यू स्पोर्ट ने लॉन्च किया है प्रीमियर लीग का हाफ अ सीजन पास नाउ यहां पर जितने भी बचे हुए मैचेस हैं प्रीमियर लीग के ओवर 150 प्लस मैचेस इन सभी मैचेस के आपको फैंटेसी टीम्स मिलेगी सो so इस पास का फायदा उठाना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलिएगा आपने देखा होगा व्यू स्पोर्ट ने कितनी ट्रांसपेरेंसी रखी और पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं प्रीमियर लीग के उसमें मोस्ट ऑफ द मैचेस हैव गॉन आइदर स्वीप या प्रॉफिटेबल सो इस पास से आपको जितने भी बचे हुए मैचेस हैं उन सबकी व्यू स्पोर्ट की ए आई टीम्स मिलेगी जो वेरियस मीट्रिक्स करके जाती है। so हमने के में दिया है और भी अगर आपको जानकारी चाहिए फॉर फुटबॉल वर्ल्ड अगर प्लेयर के कुछ इन चाहिए क्रिकेट में जैसे कि अब साउथ अफ्रीका टी खत्म हो गया है तो आने वाली जितनी भी सीरीज है जैसे वुमेंस आईपीएल है पाकिस्तान सुपर लीग है इसके साथ ही और भी सीरीज के बारे में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल व्यू स्पोर्ट का ज्वाइन कर सकते हैं उसका भी लिंक फ्रेंड्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नाउ फ्रेंड्स अगर हम फॉरवर्ड सेक्शन की बात करें तो so हमने ऑलिव वॉटकिंस को लिया एस्टन विला से रीसेंट फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग है हालांकि शफील यूनाइटेड के अगेंस्ट ही वॉज वेरी गुड बहुत ही अच्छे दिखे थे इस मैच में क्या वो स्कोर करेंगे इट रिमेंस टू बी सीन सो ऑलि वॉटकिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पिक फॉर यर फैटेसी टीम्स नाउ ऑलीवॉडकि्स इज अ सॉर्ट ऑफ प्लेयर फ्रेंड जो कि आराम से अपने दे पे हैट्रिक भी स्कोर कर सकता है एंड ही कैन ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ फेंटेसी पॉइंट्स इनके बिना अपनी टीम बनाने का सोचेगा मत एंड इफ़ यू आर बैकिंग विला टू डू वेल इन दिस मैच देन डेफिनेटली आप ऑलीवॉड किंग्स को आराम से कैप्टनसी भी कर सकते हैं अगर हम बाकी दोनों फॉरवर्ड से बात करें तो हमने रैसमस हॉइलैंड और मार्कस रैशफोर्ड को लिया है नाउ फ्रेंड्स आप टीम का स्ट्रक्चर देख के आपको लग रहा होगा कि वी आर बैकिंग यूनाइटेड बट ऐसा नहीं है हमने असल में दोनों ही टीम्स के बेस्ट प्लेयर्स लिए हैं बिकॉज दोनों ही टीम्स को हम लोग नहीं बता सकते थोड़ी सी फेवरेट एस्टन विला ज़रूर होगी बट यूनाइटेड के जो ये सेट ऑफ प्लेयर्स आर ऑब्वियसली द बेस्ट सेट जिसमें से रैसमस हॉलैंड गुड रीसेंट मैचेस में इन्होंने गोल स्कोर किया है पिछले फिक्सर में जब यूनाइटेड ने कम बैक किया था एट ओल्ड ट्राइफर्ड उसमें रैसमस हॉलैंड ने भी गोल स्कोर किया था सो यह इंपॉर्टेंट होंगे लास्ट मैच अच्छा नहीं था ही वॉज नॉट वेरी गुड बट उसके पहले वो काफ़ी अच्छे हॉट गोल स्कोरिंग ट्लीक पर थे लगातार फोर कंजिक्यूटिविवि मैचेस में इन्होंने गोल स्कोर किया था हमें पता है रैशफर्ड को ये अपनी पेज से अपनी ड्रिबलिंग से बैकलाइन को एक्सप्लोयड कर सकते हैं स्पेशली जहाँ पर लॉन्गले जैसे प्लेयर खेलते हैं सो रेफोर्ड भी कम सेम इंपॉर्टेंट पिक आपको असिस पोटेंशियली काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करते हैं तो दिस इज द सॉट ऑफ सेफ एंड असी कॉम्बिनेशन जो हम स्मॉल लीग के लिए आपकी टीम को रिकमेंड करेंगे अब फ्रेंड्स आइए चलिए देखते हैं हम लोग कुछ टॉप कैप्टनशी पिक्स इस मैच के तो फ्रेंड्स अगर हम टॉप कैप्टनशिप पिक्स की बात करें तो हमने यूनाइटेड से दिया है ब्रूनो फर्नांडेस को और हमने दिया है एस्टन विला से ओली वॉटकिंस को ना ये दोनों ही सेफ री कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के चॉइस होंगे ओली वॉटकिंस मोर डायरेक्ट गोल थ्रेड रखते हैं एस्टन विला के लिए आपको गोल स्कोरिंग से पॉइंट देते हैं आपको चांस क्रिएशन नंबर बहुत अच्छे हैं इनके असिस पोटेंशियल नंबर आर वेरी गुड सो ही बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पिक फॉर एयर फेंटेसी टीम्स ब्रूनो फर्नांडिस फ्रेंड्स इस पूरे यूनाइटेड के मिडफील्ड के इंजन है पूरी तरह से मिडफील्ड को कंट्रोल करते हैं डोमिनेट करते हैं टैकल इंटरसेप्शन आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं गोल स्कोरिंग पोटेंशियल का बहुत अच्छा है असिस पोटेंशियल बहुत अच्छा है सेट पीसेस काफ़ी लेते हैं सो फर्नांडिस एंड वॉटकेंस बिकम्स टू सेफ रिलायबल ऑप्शन अगर फ्रेंड्स हम अपने डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक्स की बात करें सो so हमने डगलस लुइस को दिया नाउ फ्रेंड्स

अच्छे नहीं है डिफेंसिवली ऑफेंसिवली ही इज़ वेरी गुड उनको एक्सप्लॉयड कर सकते हैं अपनी पेस से सो मूसा डिया भी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग पिक एंड ये आपको ज़रूर आपकी ग्रैंड लीग टीम्स में हेल्प कर सकते हैं जीतने के लिए और मोर ऑवन फ्रेंड्स हमने देखा है कि मूसा डिया भी उन सब मैचेज में बहुत ही अच्छा ऑपरेट करते हैं जिसमें जो डिफेंसिव फुल बैक है उन पर वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं रख पाते हैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं रख पाते हैं सो डेफिनेटली फ्रेंड्स डिया भी आपके लिए एक इंट्रीगिंग पिक बन सकते हैं इस मैच के लिए और फ्रेंड्स हमारे अगर दूसरे ग्रैंड लीग पिक की बात करें तो हमने मैटी कैश को लिया है Now friends, हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी इन दी एंड जिनका मैच हो रहा है वो है ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लीनशीट पोटेंशियल so, so भी काफी अच्छा प्रोवाइड करते हैं तो so फ्रेंड्स ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू फॉर द प्रीमियर लीग गेम एस्टन विला एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिएगा हम आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से अगले वीडियो में तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच थैंक यू